वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। पेट्रोल डीजल पर एक रुपए और सोने पर दो रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई। 5 लाख तक की सालाना आय के टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, लेकिन 2 से 2.5 करोड़ सालाना आय वालों पर 3% और 5 करोड़ से अधिक आय वालों पर 7% अतिरिक्त कर लगाया गया। राजकोषीय घाटा 3.4% से घटकर 3.3% हुआ। वित्त मंत्री ने 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के नए सिक्के जारी करने का ऐलान किया। स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर जल जीवन मिशन का ऐलान, 2024 तक सभी घरों तक पीने का पानी पहुंचाने का मिशन। विदेशी निवेश बढ़ने से उत्साहित केंद्र सरकार ने इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज के क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की मंजूरी का मन बनाया। रेलवे के मूलभूत ढांचे में बदलाव के लिए अगले 12 साल में 50 लाख करोड़ के निवेश की जरूरत, निवेश के लिए पीपीपी मॉडल को अपनाएगी सरकार। सिंचाई के बजट में 433 करोड़ रुपए की कटौती की कांग्रेस ने आलोचना की, कहा 4 साल में सिंचाई बजट में कटौती से किसानों की खुदकुशी में बढ़ोतरी हुई। और बजटीय भाषण खत्म होने के साथ ही सेंसेक्स धड़ाम, सेंसेक्स 300 अंक लुढ़का, निफ्टी में 98 अंकों की गिरावट।